थे दिल्ली के बारे में, बीजेपी की रणनीति के बारे में, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए ऐसा है, केजरीवाल जी के लिए डू और डाई का मौका था। पूरे उनके जो महत्वाकांक्षी, आप देखिए कितने महत्वाकांक्षी थे केजरीवाल, वो चाह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। उन्होंने बनारस में चुनाव लड़ा, उन्होंने गोवा में लड़ा, उन्होंने पंजाब में लड़ा, सब जगह शिकस्त पाई उन्होंने। तब उनके पास एक दिल्ली जो है, उनके पास एक दिल्ली रह गया। अब 2019 के चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी ने पूरा क्लीन स्वीप मारा, अब ये असुरक्षा के पूरे घेरे में आ चुके थे। तो अभी इन्होंने हाल भी फ्री बीज को ऐसे जेनरसली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है विदाउट एनी इकोनॉमिक लॉजिक और रैशनल। तो मैं ये ठीक है, उनको फ्री बीज बांटने का उनका अधिकार है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की पॉलिटिक्स जो है, ये लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन से अगर आप जोड़ा जाए तो इन्होंने कोई यहाँ पर नई इंडस्ट्री नहीं लगाई। सारे स्टेट्स रोड शोज करते हैं, बाहर से जाकर के इन्वेस्टर्स को लेकर के आते हैं। इन्होंने एक भी ऐसा ठोस आर्थिक कार्यक्रम नहीं लाया जिससे कि दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिले या यहाँ पे बड़े उद्योग धंधे आए, ऐसा एक भी काम नहीं किया इन्होंने सिवाय फ्री बीज। अब आप डीटीसी की हालत देख लीजिए कि वो आर्थिक स्थिति से पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। उनका जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो 7,000 करोड़ है और रेवेन्यू जो है 2,000 करोड़, सीधे 5-7 मुकेश जी, मुकेश जी आपकी लॉस हो रहा है। मुकेश जी आपको एक क्षण के लिए रोकेंगे, यहीं पर एक सवाल आपसे और कर देते ताकि आप अपनी बात और स्पष्ट रूप से रख दें। जब फ्री बी की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि बीजेपी भी मुफ्त स्कूटी बांटने उतरी थी, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक विषयों पर जो एक सवाल उठता है फ्री बी पॉलिटिक्स पर, किससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, लेकिन पहली बार शायद सीएजी ने दिल्ली को कहा है कि ये ऐसा स्टेट है जो फायदे में है। यानी इस अर्थव्यवस्था, इन नीतियों के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था अगर फायदे में है तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है। ये एक तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूं, अब आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया। देखिए, एक होती है नेचुरल इकोनॉमिक बॉयंसी। दिल्ली की जो है 7,000 करोड़ की उनकी जीडीपी है, गोवा के बाद चलिए मुकेश जी से अभी हम फिर संपर्क बनाएंगे। बिलाल सबजवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं।